आयोजित किया गया। इस कैंप की मुख्य विशेषता है कि हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र में वित्तीय जागरूकता लोगों में बहुत ही कम और ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ग्रामीण भाई हमारे जो कि बैंक की कई तरह की योजनाएं चलती हैं इससे परिचित ही नहीं हो पाते और उनका समुचित लाभ नहीं ले पाते। इसलिए आज इस कैंप का आयोजन किया गया है और हम सभी का प्रयास ये है कि बैंक की हमारे बैंक द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वो जमा से संबंधित हों, ऋण से संबंधित हों अथवा आपके जीवन रक्षा जीवन पॉलिसी से संबंधित हों, उन सभी की जानकारी आपको एक मंच पे दी जाए। अक्सर मेरी शाखा में लोग कहते हैं साहब ये पता नहीं था, पहले से पता होता तो हम यही वादा करा रहे। तो उस बात को समझते हुए और विशेष धन्यवाद दूंगा क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से अपना समय दिया। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके बीच में हम लोग अगर अपनी बातों को साझा करते हैं आप तक पहुंचाते हैं, अगर आप उसका आधा भी समझते हैं तो भी हम लोगों की एक बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए शुरुआत करता हूँ मैं एक सिविल रिपोर्ट से। आजकल एक टर्म मैं अक्सर बोलता हूँ आप लोगों से कि सिविल रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। आखिर ये सिविल क्या है और ये कहाँ से आ गई है? सिविल रिपोर्ट की आवश्यकता तब पड़ी जबकि बैंकों की संख्या बढ़ी। अब हमारे एक क्षेत्र में 4 से 5 बैंकों की ब्रांच है। ऐसे समय में सिविल रिपोर्ट समझिए कि हम बैंकर्स को ये बताती है कि इनको कर्ज देने वाला है या नहीं। ये आप सभी की एक परीक्षा की तरह होती है। अगर आप इसमें 700 से अधिक अंक पाते हैं तो आप पास हैं, जितने अधिक अंक पाते हैं उतने अच्छे अंकों से पास हैं और यदि आपका अंक कम आता है तो आप उस ऋण के लिए हम आपको मना करते हैं। देखिए भाई कई हम लोगों में से ऐसे किसान हैं जो जानबूझकर या मंशावश अपने खातों को खराब नहीं करते। उनको जानकारी ना होने से, उनको किस्तों के बारे में जानकारी ना होने से या केसीसी खातों में समय से लेन देन कब करना है कैसे करना है इसकी जानकारी ना होने से भी खाते ओवरड्यू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका सिविल स्कोर कम होगा। सिविल के बारे में मैंने इसलिए आपको पहले बताया क्योंकि आगे मैं जितनी भी बातें करूँगा उसमें सिविल स्कोर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो शुरुआत करता हूँ सर्व प्रचलित ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए जब ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई 1975 में तो उस वक्त हमारे किसान के पास सिर्फ एक कार्य था जो कि कृषि संबंधित था। हमारा किसान अभी तक किसी दूसरे जमींदार के यहाँ खेती किसानी कर रहा था, अतः वो अपनी खेती कैसे करता उसके लिए भारत सरकार द्वारा सोचा गया और 1992 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत आप अपनी खेत पे प्रति बीघे एक निश्चित मानक होता है जिसके आधार पर आपको साख सीमा यानी क्रेडिट लिमिट दी जाती है। आप जितना पैसा निकालते हैं उसका उतना ही ब्याज लगता है और आपके रिपेमेंट के हिसाब से उसमें छूट भी मिलती है। अभी इसमें समस्या कहाँ पे आई? किसान जब भी हमसे लोन लेने आ रहा है, ऋण लेने आ रहा है, तो केसीसी लेने के बाद जब अगली बार बैंक उसको 2 साल बाद बुलाता है तो वो फिर आता है उसको सही कराने। हमको आप सभी में जागरूकता इस बात की फैलानी है। देखिए भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला किसान क्रेडिट कार्ड सबसे सस्ता ऋण है। आज के समय में 7% ब्याज दर पर मिलने वाला ऋण, 7% पर मिलने वाला ऋण जिसमें समय से अदायगी करने पर 3% छूट भी मिलती है, मतलब 4% के ऋण मिलना ये किसी भी जमींदार साहूकार से संभव नहीं था। भारत सरकार की सबसे अच्छी योजना, सबसे सस्ते ब्याज दर पर मिलने वाली ऋण योजना ये आप लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों के माध्यम से लाया गया है। ICICI बैंक शायद इस जगह पर अपना कैंप
चलो अभी ब्याज जमा करो, किसने इसकी भर दो। हम लोग आपके हमारी बैंकिंग सिर्फ लाभप्रदता से संबंधित नहीं है, हमारी बैंकिंग है जैसा कि हमारे बैंक का नारा था, हमारा प्रयास ग्रामीण विकास। हम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड कैंप स्पेशल चलाया जा रहा है, जो कि 10 अगस्त तक जिसकी डेट हमें दी गई है। इस क्रेडिट कैंप में शामिल होने